है दोस्तों, हमेशा की तरह सहनाज के किचन में आज आप लोग को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। पालक की सब्जी सभी को बहुत पसंद आते हैं, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। इसी पालक के ऊपर आज हम बनाएंगे आलू पालक की सब्जी, जो कि ढाबा स्टाइल है। चलिए चूल्हे की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई, इसे हम गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 3 से 4 टीस्पून ऑयल। इसमें 2 सूखी मिर्च, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड, 1/4 चड़क जाए फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 मीडियम साइज के ऑनियन जो बारीक चॉप किए हुए। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़े कलर ना बदल ले। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक 2 टीस्पून बारीक चॉप किए हुए, इसे भी हम भून लेंगे। गार्लिक और अनियन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, 3 आलू हैं मीडियम साइज के, ये क्यूब्स में कटे हुए हैं। अब इसे भी हमें भुनना है। फिर हम इसमें डाल लेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर चॉप किया हुआ, हाफ टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/4 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें कवर करके मीडियम फ्लेम में इसे कुक करना है, आलू जैसे गल जाएंगे। चलिए देखते हैं आलू गले के। आलू भी थोड़े गलने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर। अब इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसे चला लीजिए। फिर हम इसे 2 से 3 मिनट कवर करके अच्छी तरह से इसे गलने देंगे। स्लो फ्लेम में इसे गलने देंगे। चलिए देखते हैं आलू और टमाटर गले कि नहीं। अभी गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च, 1/4 पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली, आप जितना तीखा पसंद करते हैं, 1/2 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पालक। ये 3 बीड़े हम लिए हैं पालक, इसे अच्छे से धोकर हम काट लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं।
अच्छे से कवर करके 2 से 3 मिनट हम कुक करेंगे स्लो फ्लेम में। पालक की सब्जी बनकर अब तैयार है, बहुत ही मजेदार बने हैं। अब हम इस लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा धनिया की पत्ती, और गरम मसाला 1/2 टीस्पून से भी कम, और आपके पास जब कस्तूरी मेथी है इसे भी आप यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। चलिए पालक की गर्मा गर्म सब्जी हम सर्व करते हैं। इस रेसिपी को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। सही में ये बहुत ही मजेदार बने। आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आने वाला वीडियो का इंतजार कीजिए। हमेशा की तरह खुश रहिए।